नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फिर एक बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने ब्रायन बेनेट को एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को ही ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 4 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। भारतीय कप्तान के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, जो आसानी से जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा को तो रोकने में जिम्बाब्वे का हर एक गेंदबाज नाकामयाब हो चुका था। दबाव पूरी तरह जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था। कप्तान सिकंदर रजा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं और फिर इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की 50 रनों की एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो गई। तो वही पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए डीन मेयर्स के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इस 11वें ओवर में भारतीय टीम को 28 रन मिल गए थे। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हराने वाली जिम्बाब्वे की टीम अपने आप को भारतीय टीम से महान समझने लगी थी, लेकिन पहली बार भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपना असली रूप इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को दिखाया था। अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर आग बरसा रहे थे। पूरी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के अभिषेक शर्मा की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर होश उड़ चुके थे और फिर देखते ही देखते दोनों की 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। अब अभिषेक शर्मा के ऊपर सभी की नजरें घड़ी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी शतक से कुछ ही रन दूर थे और फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वेलिंगटन मसाकाज्जा के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने सभी को हैरान करते हुए लगातार 3 छक्के लगाकर अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, लेकिन फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेलिंगटन मसाकाज्जा ने शतकवीर अभिषेक शर्मा को डीन मेयर्स के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 47 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से मैदान में रनों की बारिश कर दी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और बल्लेबाजी के लिए आते ही रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के रन गति को कम नहीं होने दिया और सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। और फिर एक छोर पर सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी और फिर तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए तेंदाई चतारा के इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया। देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। तो वहीं अब रिंकू सिंह की बारी थी और रिंकू सिंह ने पारी के 19वें ओवर में जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक गेंदबाज को ही अपना निशाना बनाया और गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी को रिंकू सिंह ने 2 धमाकेदार छक्के लगा दिए। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में भी रिंकू सिंह ने हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई और इस अंतिम ओवर में भी रिंकू सिंह ने 2 शानदार छक्के लगाते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के होश उड़ा दिए और फिर इसी के साथ भारतीय टीम ने 234 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य जिम्बाब्वे की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
इनोसेंट काइया और वेस्ले मधिवेरे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहली ही गेंद पर इनोसेंट काइया ने एक शानदार चौका मुकेश कुमार को लगा दिया था, लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में वापसी करते हुए इनोसेंट काइया को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इनोसेंट काइया 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इनोसेंट काइया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट मैदान में उतरे थे और ब्रायन बेनेट ने आते ही एक छक्का और एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही ब्रायन बेनेट ने मुकेश कुमार के अगले ओवर में भी उन्हें 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, लेकिन मुकेश कुमार ने फिर एक बार इस ओवर में वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ब्रायन बेनेट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रायन बेनेट 9 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने शुरुआत में ही जिम्बाब्वे के 2 बड़े विकेट अब निकाल लिए थे, जिस वजह से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डीन मेयर्स को भी आवेश खान ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डीन मेयर्स तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम मुश्किल में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार फॉर्म में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन आवेश खान ने अपनी इसी ओवर में सिकंदर रजा को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा 4 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। जिम्बाब्वे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही अब अपने कब्जे में कर लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जोनाथन कैंबल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे की रणगति पर लगाम लगा दी थी, जिसने दबाव पूरी तरह मैदान में खेल रहे दोनों ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया था। और इसी दबाव में बड़ा शॉट खेलने गए जोनाथन कैंबल को वॉशिंगटन सुंदर ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैंबल इस मुकाबले में 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए क्लीव मडांदे को भी आते ही रवि बिश्नोई ने LBW आउट कर दिया। क्लीव मडांदे बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए वेलिंगटन मसाकाज्जा को भी ध्रुव जुरेल ने रन आउट कर दिया। वेलिंगटन मसाकाज्जा 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब पूरी तरह भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका था। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अब बल्लेबाजी के लिए लुक जोंगवे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके वेस्ले मधिवेरे और लुक जोंगवे ने एक साझेदारी जिम्बाब्वे की टीम के लिए बनाई, लेकिन रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे की इस साझेदारी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 17वें ओवर में सेट हो चुके वेस्ले मधिवेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया। वेस्ले मधिवेरे 39 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी को भी आवेश खान ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम केवल एक ही विकेट से इस रोमांचक मुकाबले में जीत से दूर थी और आखिरी बचा हुआ विकेट मुकेश कुमार के नाम रहा। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों के विशाल अंतर से जिम्बाब्वे की टीम को इस दूसरे T20 मुकाबले में हराकर इस T20 श्रृंखला में अब 1-1 के बराबरी कर ली है। जहां पर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था, वहां पर अब भारतीय टीम ने उसका बदला जिम्बाब्वे से ले लिया है। लेकिन भारतीय टीम की इस रोमांचक मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे भारतीय टीम के शतकवीर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 47 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 100 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करते हुए जिम्बाब्वे से अपना बदला ले पाई। तो दोस्तों, आपको अभिषेक शर्मा की यह ऐतिहासिक शतकीय पारी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।